बड़ा सा मिरर देखने के लिए मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज, आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नई जर्नी में। सो आज की जर्नी होने वाला है ट्रेन नंबर 2280 फॉर संबलपुर शालीमार सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में कहूँ तो ये जो ट्रेन है ना, हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही चलती है, फ्राइडे को संबलपुर से शाम 7:50 पे खुलती है और आपको अगले दिन शालीमार सुबह 6:40 पे पहुँच जाती है। तो ये जो ट्रेन है ना, टोटल 650 किलोमीटर दूरी तय करती है, 9 हल्ट है टोटल 11 घंटे में। जैसे आज जो है हम इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं स्लीपर क्लास में, कोच S7 सीट A6 अपर बर्थ। ये जो संबलपुर शालीमार सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ना, ये अभी भी IC ब्रेक के साथ चलती है, इसलिए इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिशन स्पीड यानी MPS 130 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। वैसे आज जो है मैं बालासोर से जर्नी करने वाला हूँ और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा था, 2 घंटा विलंब से ट्रेन आ रही है। भाई अभी तो मुझे पता चला क्योंकि ट्रेन लेट है, क्योंकि जाजपुर से संबलपुर के बीच में रात में एलिफेंट पास हो रही है, इसीलिए ये ट्रेन 2 घंटे लेट से चल रही है। अभी चलिए इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये जो संबलपुर शालीमार एक्सप्रेस चलती है, ये 1 सेकेंड AC, 4 थर्ड AC, 8 स्लीपर कोच, 6 जनरल कोच और 2 SL कोच के साथ चलती है। और इस ट्रेन में पेंट्री का नहीं है, ऑनबोर्ड कैटरिंग यानी साइड पेंट्री भी नहीं है, इसमें केवल ICTC का ई कैटरिंग अवेलेबल है। ई कैटरिंग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन ऑर्डर। अगर आप संबलपुर से शालीमार एंड टू एंड जर्नी करने चाहते हैं तो आपको स्लीपर क्लास में आपको पड़ेगा 400 रुपये, 3rd AC में आपको पड़ेगा 1050 और 2nd AC में आपको लगभग 1500 रुपये पड़ेगा। और आप 2nd क्लास में जर्नी कर रहे हो तो यानी जनरल में जर्नी कर रहे हो तो आपको 105 रुपये लगेगा। अभी अंदर चलते हैं, जब ट्रेन आएगा तब अराइवल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आज हमारी ट्रेन में सांतराची शेड का W4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। दो घंटे देरी से अपनी ट्रेन बालेश्वर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है।
अभी अपनी ट्रेन बस्तर रेलवे स्टेशन को धीमी रफ्तार में स्किप कर रही है। आगे सुबर्णरेखा रिवर आने वाला है, चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। अभी हम जलेश्वर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। दोस्तों इस ट्रेन की बेलदा रेलवे स्टेशन में कोई भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन कुछ यात्रियों ने चैन पुलिंग करके इस रेलवे स्टेशन पर उतर गए, जिनको आरपीएफ ने पकड़ लिया है। चैन पुलिंग के वजह से इंडियन रेलवे को हर साल बहुत ही नुकसान होता है और ट्रेन भी लेट हो जाती है। इसलिए जो भी यात्री बेवजह चैन पुलिंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक जेल या दोनों भी हो सकता है। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए।
नयागढ़ और भद्रक के बीच में थर्ड लाइन आप देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा। जो आप देख रहे हो ना, ये खड़गपुर मेमो कर्सेड है। आप सभी को तो पता ही होगा, अभी खड़गपुर रेलवे स्टेशन भारत का चौथा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। अभी करंटली कर्नाटक राज्य का हुबली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा वाला रेलवे स्टेशन है और विश्व का सेकंड लंगेस्ट रेलवे स्टेशन है। और भारत की दूसरी तीसरी सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन के बारे में पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KGP। ट्रेन जो है हम लोग पहुँच जाए 1 घंटा 45 मिनट देरी से, वैसे पहुंचना सही टाइम था 4:30 और अभी टाइम है 6:20। खड़गपुर रेलवे स्टेशन में 8 प्लेटफॉर्म है, 8 और 4 लोकल ट्रेन के लिए है, 12 भी कर सकते हैं हम, 12 प्लेटफॉर्म है। खड़गपुर जो है ये आता है वेस्ट बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ट्रेन जो है 5 मिनट रुकने के बाद अभी सिग्नल हो गया। खड़गपुर रेलवे स्टेशन ये वेस्ट बंगाल का मेजर रेलवे स्टेशन है।
जो लाइन आप देख रहे हो ये दामलोक दीघा की ओर से आ रही है। ये रहा अपने सीट 6 नंबर, लेकिन एक साइड लोअर सीट खाली था, मैं वहाँ पे चला गया। ये रहा वो सीट। रहा अपनी हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी सांतराची कोचिंग डिपोर्ट में रखा गया है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सांतराची रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRC, और यहां पे स्टेशन पहुंची है 1.5 घंटा विलंब से। इससे आपको स्टेशन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा। सांतराची में टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और आता है खड़गपुर डिवीजन में, ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे। ये सारी EMU ट्रेन्स कलकत्ता की जान है।
ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हावड़ा की निकल जाती है और हम जा रहे हैं शालीमार की ओर। आप ट्रैक साउंड्स को एंजॉय कीजिए, हम कुछ ही देर में शालीमार रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। सांतराज्य से शालीमार सिर्फ 5 किलोमीटर। साउथ ईस्टर्न रेलवे अंतर्गत खड़गपुर डिवीजन में जितने भी ट्रेन रहता है सारे ट्रेन का मेंटेनेंस जो है पद्मपुकुर और सांतराज्य कचिंग डिपोट में ही होता है। ये रहा पद्मपुकुर का कचिंग डिपोट और आगे की ओर है पिट लाइन्स जहाँ पे ट्रेन की रखरखाव करके प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाता है। ये रहा सारे पिट लाइन्स। कुछ समय में हम लोग पहुंचने वाला है शालीमार रेलवे स्टेशन। इससे पहले मैं आप लोगों को वॉशरूम का कंडीशन कैसे दिखाता हूं। चलिए वॉशरूम जाने से पहले आपको यहां पे थोड़ा सा मिरर देखने के लिए मिलेगा और यहां पे मशीन है, यहां पे पानी आ रही है ठीक ठाक। और वॉशरूम आने के बाद आपको सामने से एक बड़ा सा मिरर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे मशीन है, पानी भी ठीक ठाक आ रही है। और ये वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम है, देख सकते हैं क्लीन है। और इसका फ्लोस भी काम कर रहा है अच्छे से, पानी आ रही है, फ्लोस भी काम कर रहा है अच्छे से।
पानी जाना है, मैं मार के देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शालीमार रेलवे स्टेशन। पहुंचने का सही टाइम था 6:50 और अभी टाइम हुआ है 8:50। ट्रेन जो है हम लोग पहुंचाई 2 घंटा विलंब से। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि ये ट्रेन कितने पंक्चुअल है, क्लीनिनेस इस ट्रेन में मेंटेन किया जा रहा है। वॉशरूम का कंडीशन तो बहुत अच्छा था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत अच्छा था। और जर्नी कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शालीमार रेलवे स्टेशन इज अंडर कंस्ट्रक्शन। टोटल 3 प्लेटफॉर्म टोटल है, लेकिन काम चल रही है अभी। कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा अभी, जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर।